हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बहाल होने की उम्मीद पैदा हो गई। मंजूर वसान कहते हैं नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात हो सकती है। बिलावल और मरियम की मुलाकात का भी इम्कान है। सिंध में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की कोई जगह नहीं, ये इस्टेब्लिशमेंट का तैयार करता है। सीडीए या कुछ दूसरे नामों से हमेशा 90s के अधवार के बाद पार्टियां बनी है, सपोर्टेड बाय इस्टेब्लिशमेंट। पाकिस्तान से डुमोर का मुतालिबा करूंगा, दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान के इकदामात नजर आने चाहिए, ये पाकिस्तान के मफाद में है। अमरीकी वजीर दिफा की दौरे पाकिस्तान से कबल गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान से पूछेंगे कि अफगान मफाहमती अमल में वो क्या किरदार अदा कर सकता है। जेम्स मैटिस का कल पाकिस्तान पहुँचेंगे, वजीर आजम और आर्मी चीफ से मुलाकातें होंगी। कोहलू में लेवीज का छापा, दहशतगर्दों के ठिकाने से भारी असलहा और गोला बारूद बरामद, कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। फैसलाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस की कारी जर्ब, मुकाबले में कालादम तंजीम के 3 दहशतगर्द हलाक, 2 फरार होने में कामयाब। दहशतगर्दों के कब्जे से बारूदी मवाद, असलहा और दीगर सामान बरामद। लाहौर के पार्कों और चर्चेस को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए, स्नैप चेकिंग का निजाम मौसर बनाया जाए, सीसीपीओ लाहौर अमीन विनिस की हिदायत। पार्टी और क्यादत को दरपेश चैलेंजेस से कैसे निपटा जाए, मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा, तंजीमी उमूर पर भी मुशावरत होगी। छुट्टी के दिन कप्तान सियासी माहौल गरमाने के लिए तैयार, चिश्तिया के रेलवे ग्राउंड में पीटीआई का पंडाल सज गया।